channel. I am Stuti Mishra and I am in Gangtok. I am here with my two best friends and आज का plan है कि हम लोग Tsomgo lake, उसको Changu lake भी बोलते हैं and Baba mandir and शायद तक Nathula Pass जा सकते हैं. Actually कल हमें permit नहीं मिला था but आज हमें permit मिल गया है and we are all ready to go to Tsomgo lake. Our driver is waiting for us right now, so we are gonna rush. Hi guys, I just forgot to mention few important points here because we were really running late. To visit Tsogmo Lake, Nathula Pass or Baba Mandir, you are gonna need a permit. एंड वहाँ पे चेक पोस्ट होता है और चेकिंग होता है आपके परमिट का, तो आपको एक दिन पहले वो परमिट करना पड़ता है टू गो टू Tsogmo Lake, बाबा मंदिर एंड Nathula Pass. सेकेंड पॉइंट इज दैट यू आर गोना नीड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आईडी प्रूफ टू गेट दैट परमिट. और थर्ड पॉइंट इज दैट यू हैव टू गो बिफोर 10 AM इन द मॉर्निंग, वरना चेक पोस्ट क्लोज हो जाता है. एंड गैंगटॉक से Tsogmo Lake इज अराउंड 40 किलोमीटर्स, विच विल टेक अबाउट 17 minutes और ब्रेक लेके यू नो 2 hours के अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे. एंड इट इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3753 meters एंड रोड फ्रॉम गैंगटॉक टू Tsogmo Lake इज सुपर सीनिक. चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ऐसा लग रहा था सीनरी कोई पेंटिंग कर दिया हो, इतना खूबसूरत रास्ता था. हमारी एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़े जा रही थी बिकॉज धीरे धीरे थोड़े थोड़े इस बर्फ गिरने लगे थे, वाटरफॉल्स धीरे धीरे फ्रीज होने लगी थी. फिर थोड़ी देर बाद पूरा रोड स्नो से भर गया था. द एक्सपीरियंस वॉज जस्ट अमेजिंग. Guys, we are going towards Tsogmo Lake and the view from here is just breathtaking. There is snow everywhere. This is my first experience of snow and I'm so happy that I am here. Also, हम लोग रास्ते पे रुके हुए हैं to buy some gloves. ये woolen gloves हमारे पास हैं, waterproof नहीं है, गीला हो जाएगा, तो हम खरीदने वाले हैं. Gloves खरीदना पड़ता है but gum boots जो होता है ना snow के लिए, वो आप rent पे ले सकते हो. So yeah, that's what we are gonna do here. Hey guys, अभी हम लोग सब कुछ खरीद लिए हैं. गम बूट्स वर्स फॉर 100 rupees रेंट के लिए और ये वाला 200, ये लोग 250 बोलते हैं. यहाँ पे ज्यादा कॉस्टली है तो आप पहले से ही लेके आइएगा. ये वाला जैकेट तो वाटरप्रूफ हो जाएगा, हम दोनों का वाटरप्रूफ था, लेकिन मेरी और एक फ्रेंड उसको जैकेट लेना पड़ा है वो 100 rupees रेंट में. ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको सब कुछ ये सब मिल जाएगा रेंट पे, एंड ऑल्सो मैगी चाय सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. तो डोंट वरी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ना. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठंड भी बहुत है. बहुत ज्यादा ठंड है, डिग्री कम है जो हमें पता नहीं है. हाँ, शायद तक -11 degree जैसा ड्राइवर ने हमें बताया, -11 degree टेम्परेचर है. ओह माय गॉड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. बहुत ठंड है. अभी वो लेक देखते हैं कैसा होगा. तो ये हम तीनों का फर्स्ट एवर स्नोफॉल है. वी आर वेरी एक्साइटेड. ये What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Hey, koi to bacha jo jeene ka basa kyun aane laga? Jaye jaye ye hawaon mein kya thoda sa jo nasha kyun chane laga? Tere mere puchho na puchho mujhe. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy. Hi guys, we have finally reached Tsogmo Lake, near Tsogmo Lake actually. और अभी हम लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं. I'm panting. थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बिकॉज बहुत हाइट में है और यहाँ पे बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा. आप देख सकते हैं सीढ़ी और हमने गम बूट्स पहना हुआ है, फिर भी स्लिप कर रहा है. ओह माय गॉड,
बहुत ठंड है। गाइस यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है। कैन सी सब हो रहा है मेरा कैमरा। We are having some tea right now because सबको बहुत breathing problem हो रही है, इसलिए हम लोग चाय ले रहे हैं अभी। We are having some popcorn and Maggie. Popcorn खाने से breathing problem थोड़ा सा कम होता है, I don't know why, but सारे लोग वही बोल रहे हैं। These are yak cheese. Guys, we are experiencing our first snowfall. यहाँ पे snowfall हो रहा है। सब लोग यहाँ पे yak ride ले रहे हैं, but I think हम लोग risk नहीं लेना चाहते हैं और yak में नहीं बैठना चाहते हैं। और आगे देखो ये नजारा। Oh my God, it's our first time experiencing snow. And guys, the feeling is crazy, crazy feeling. What the? बहुत ही ज़्यादा। बात बोले नहीं हो रहे था ठंडे यहाँ पे। बोले ही नहीं हो रहा। Oh my God, इलाज। सांस नहीं ले पा रहे हम लोग। It's like a dream come true, really. And we are celebrating our 17th. Friendship. Look at this. बहुत गंदा ट्रीट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी एनिमल्स हैं, उनको भी उनके नाक के अंदर से वो रस्सी घुसा के ओ माय गॉड पूरा खींच रहे हैं, वो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग बैठ भी नहीं रहे हैं। बहुत पेनफुल होगा उनके लिए, वो देख के बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मौसम यहाँ पे बहुत खराब हो रहा है, हाँ स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए पूरा बर्फ जम गया उधर। एंड यह लाइक पैंटिंग लेक कौन सा है हमें पता नहीं चल रहा है, सॉन्गो लेक वो है या कौन सा है हमें पता नहीं चल रहा है। Okay, so this is Tsogmo Lake, guys, and it is all freeze. Oh, Gumboot is slipping. Oh my God. So we are returning back to our parking area. Oh my God, this experience is just breathtaking. Look at the view. But my camera, I don't know, capture it or not. My lips are numb now. I can't even talk about it. Wow. Yes, it's very bad. It's amazing. Wow. This is a dream come true. Woo! Woo! So, there are so many lakes in Tsogmo Lake. Nathula Pass and Baba Mandir, we didn't get permission for Nathula Pass. This was only for Tsogmo Lake. Permission tha. और बहुत हालत खराब हो रही है। Look at them, what they are doing. शिशंग कंट्रोल चुके। Look at the view. Experiencing our first snowfall. The view is amazing. Woo!
There is a rope way at Changu Lake as well. You can try it out. It is at a height of 14,500 feet. You can see beautiful views of mountain covered with snow. We couldn't try it out because bahut slippery rasta tha. Meri friend waise bhi gir gayi thi, so we had to, you know, chill at that point of time. So we avoided that, but you can definitely try it out. This is India, guys. This is incredible India. मुझे believe नहीं हो रहा कि मैं India में ऐसा कुछ experience कर पा रही हूँ. ये इश्क हाय बैठे heavy snowfall हो रहा है, guys. And अभी we are going back now. कितना सारा snowfall. मेरे jacket में भी snow, hair में भी snow. चारों तरफ oh god. बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल बोल रही हूँ, हैवी स्नोफॉल हो रहा है, पूरा बर्फ़ से ढक गया है. ओह माय गॉड, मुझे ये छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है. अभी हम लोग ये वेदर के साथ एक्वेंटेड हो गए हैं थोड़ा थोड़ा, एंड बहुत मज़ा आ रहा है. Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda No exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Hi guys, अभी हम return कर रहे हैं और रास्ते में हमने इससे पहले दिखा हुआ कि जहाँ पे हम gloves and all खरीद रहे थे वहीं पे थोड़ा break लेके थोड़ा टी थोड़ी कॉफी करना है. वो गम बूट्स एंड इसका जैकेट वो सब रिटर्न करना है. यहाँ पे हमको रुकना ही था तो हम लोग यहीं पे लंच कर रहे हैं. दैट इज मैगी एंड चाय और मेरा वाला कॉफी. गाइस अभी हम लंच करके वापस जा रहे थे एंड यू नो रास्ता बंद हो गया है बीच में. इतना हैवी स्नोफॉल और रास्ता पूरा स्नोफॉल से भरा हुआ है इसीलिए रास्ता बंद कर दिया गया है. ओह माय गॉड, आई डोंट नो, बहुत टाइम लगेगा शायद हमें पहुंचते पहुंचते, कुछ अभी बता नहीं सकते. पूरा रास्ता फॉगी फॉगी हो रहा है, पूरा वाइट दिख रहा है. इधर से पूरा पहाड़ दिखता था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा. यू कैन सी, कुछ भी नहीं दिख रहा. क्या करें, Hey guys, हम सोंगमो लेक से अभी आ चुके हैं और हम अभी एम जी मार्ग में है. यू नो आज टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंड लग रही है. पता नहीं हम वहाँ स्नोफॉल देख के आए हैं बट यहाँ गैंगटॉक में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग एम जी मार्ग एक्सप्लोर करने नहीं, एक्चुअली कल तो हम लोग एक्सप्लोर कर ही चुके थे, बस हमें एक काम है यहाँ पे तो वो ख़त्म करना है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ATM बंद था 31st एंड आज भी सारे ATM बंद हैं तो हमें कैश की बहुत प्रॉब्लम हो रही है. हम लोग अभी कैश निकालने आए हैं. Finally got the cash. Actually,
now. Yeah. गैंगटॉक में 3 nights का ही स्टे हमने करा है और आज है 3rd night. तो कल हम लोग और किसी लोकेशन पे जाने वाले हैं. कहाँ जाने वाले हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में जरूर देखना. आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.